इलॉन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट किया है फ्री ब्रिटनी, जिसका बहुत ही गहरा मतलब है दोस्तों। पहले समझते हैं कि क्या आंदोलन है। ब्रिटनी स्पीयर्स यूएस में कंजर्वेटरशिप कानून के तहत आती हैं, जिसके अनुसार दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है अपने डिसीजन लेने के लिए, तो उसको उसके लीगल गार्जियन, आमतौर पर ये पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई सामाजिक संस्था, उनके लिए उनके फैसले लेती है। करंटली ब्रिटनी स्पीयर्स अपनी मर्जी से अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, शादी नहीं कर सकती और अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इवन उनके सारे के सारे फाइनेंस का हिसाब किताब भी उनके पापा ही रखते हैं। इनका केस बार बार कोर्ट में जाता है और कंजर्वेटरशिप की अवधि बार बार बढ़ा दी जाती है, जिसका ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ साथ पूरी दुनिया विरोध कर रही है। अब इलॉन मस्क का ट्वीट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए दोस्तों, इलॉन मस्क ने जैसे ही फ्री ब्रिटनी लिखा, वो यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस टाइकून अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलता है, पर क्योंकि इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, वो बोलते हैं। इलॉन मस्क एक फियरलेस इंसान है। जानकारी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।